groups for presentation here. Now the group A is in front of us to give the presentation. For group we have provided the topic, that is article, and I would like to say to the group that they will present the topic and they will use the strategy how to teach articles to the students. Okay, Jyoti, thank you. Respected our mentor sir and my dear friends, today as we all know this is the final day of our this training program, and we all will be presenting what we have learned all through the training. So in the series we all the members of group A will be presenting topic articles and preposition. So first of all, we'll be presenting articles. Sir, please continue. Okay, sir. You have to be bilingual in the class. Suppose we have students for the first time. Okay, sir. Good morning to all of you. How are you? Fine. Today we are going to study some grammatical portion, that is article. Do you know the article? Have you listened? The name of article? Yes. So article is a part of the speech of an adjective. It is also, no, we can also call it adjective. Just like adjective describes about noun or pronoun or modify it, just like that article also describe or it says something about the noun or pronoun. Types of articles. Definite, indefinite. Definite article we know or we call it the, and indefinite a or an. Here it is the article which is used before a, sir please come explain, a n n. जो नाउन के पहले लगाया जाता है, जो कॉमन नाउन होता है उसके आगे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ए का प्रयोग बताऊंगा कि ए का प्रयोग कैसे होता है। जस्ट एज यू सी ए पीस ऑफ चॉक, ए पीस ऑफ वाटर, आर यू सी वाटर, डस्टर, a chair, a table. We will discuss about article and first of all we, I will ask you vowels. Everybody knows vowels? Yes. How many vowels are there? Five. A, E, I, O, U. And rest of the alphabet known as consonant. Like B, C, D, M. So article I is always used when the noun is having a vowel sound, like E, double G, umbrella. इसमें भी क्या आएगा? N. अब ये वन है, अब इसका एक ट्रिक है, जैसे आ से आहा दो बिंदी तक, आ से आहा तक, अगर हम कोई आ से जो आहा होता है कभी भी बच्चों को पढ़ाइएगा तो उनको बोलिएगा जब भी आर्टिकल फिल करने आए, जैसे इसमें ओ है, उनको पता है वॉवल ओ है तो वो क्या कर देते हैं, एन लगा देते हैं, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो ये क्या आता है, वाह,
और वह क्या है व्यंजन, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और हिंदी में क्या है व्यंजन, और हमें एन किसके साथ लगाना है स्वरों के साथ, किसके साथ लगाना है स्वरों के साथ, इसलिए ओ है। जैसे इसी का अगर ऑनियन बनाते हैं ओ एन आई ओ एन ऑनियन, इसकी हिंदी में स्पेलिंग क्या होगी ओ, ये स्वर है इसलिए इसके साथ क्या आएगा एन, और इसके साथ क्या आ गया ए, ए वन। तो उनको एक बार जरूर बताइएगा स्वर और व्यंजन जब एन आर्टिकल पढ़ाए कि आ से आहा दो बिंदी तक उसकी स्पेलिंग लिखिए, अगर वो स्वर आ रहा है तो वहां पे एन लगाइएगा, अगर वो व्यंजन से है तो वहां पे। नाउ विल बी मूविंग ऑन एंड कमिंग टू द टॉपिक प्रपोजिशन, सो हियर मैडम विल कम एंड एक्सप्लेन प्रपोजिशंस टू अस। गोइंग टू प्ले अगेन, नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अगेन विद प्रीपोजिशंस बर्ड। डू यू हैव अ पेन ऑल चिल्ड्रन? यस। नाउ वी गेम, नाउ वी प्ले, लिसन एंड डू। इन योर हैंड पेन, इन योर हैंड, आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। नाउ पेन इन योर हैंड, ओके, पेन अप इन द एयर, पेन डाउन टू द ग्राउंड, नीचे लाएंगे, पेन ओवर योर हेड, सर के ऊपर रखेंगे, सविता शुक्ला, पेन अंडर योर चिन, पेन चिन मीन्स होता है दाढ़ी, अपने दाढ़ी के नीचे रखेंगे, छुट्टी या दाढ़ी भी बोल सकते, पेन इनटू अ बॉक्स, इनटू हम यहाँ से बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ ले जाते हैं वहां इनटू का यूजेस करेंगे, है ना, पेन ऑन द टेबल, पेन ऑन द टेबल, ठीक, पेन अक्रॉस द फ्लोर, यहां से वहां अक्रॉस, पेन बिटवीन अस, एक दूसरे के बीच में रखेंगे, बिटवीन मीन्स होता है दो के बीच में कोई वस्तु को, पेन, दिस इज बिटवीन, दिस सिल्वर पेन, बिटवीन बिटवीन दिस पेन डालो ना पहले, दिस सिल्वर पेन इज बिटवीन दिस पेन एंड दिस। नाउ पेन इनसाइड अ बॉक्स, ऑलरेडी पेन जब बॉक्स के अंदर रहते हैं तो वहां इनसाइड का यूज किया जाता है, फिर पेन नियर योर टो, अपने टो के पास पेन को ले जाएंगे, नियर मींस पास ले जाएंगे टो के पास, पेन अराउंड यू, अपने चारों तरफ घुमाएंगे पेन के लिए, है ना, अराउंड, पेन इन फ्रंट ऑफ मी, अपने अपने सामने रखेंगे, दैट इज अ प्रीपोजिशंस गेम, थैंक यू वेरी मच। Yes. Yes. अमन बोलेंगे, और अमन का यूज करेंगे वहां पर। अमन रखेंगे, बहुत सारे वस्तुओं के बीच में जब कोई एक वस्तु शो करेंगे तो जब ग्रुप में कोई विशेष चीज होती है तब वहाँ हम उस विशेष चीज को दिखाने के लिए एमन का यूज करते हैं। इनसाइड में ऑलरेडी अगर वो ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर पहले से ही है और जब हम उसको बॉक्स के अंदर लेके जाएंगे तो वो इनटू द बॉक्स, कोई चीज का अंदर से बाहर, बाहर से उन्होंने बताया था कि जो पानी या कोई ऐसी चीज रहे उसमें इनटू का यूज करते हैं। No, no, गति, no, you are correct, man, you are correct. Yes, हम लोगों ने जो शुरू से पढ़ा है अभी तक, तो उसमें यही पढ़ा है कि movement, पानी, may I explain? तो उसमें इनका करते हैं, तो यहाँ सर explain कर रहे हैं। It is. मैंने आपको example दिया, वो example क्या है जब हम कोई चीज डाल रहे हैं, कोई भी चीज जब move करके inside जाती है, तो उसको inside. That is non-breaking journey. पानी के बीच में रुक नहीं रहा, वो जंप था रूप, तो अब ऐसा नहीं को हवा में लटक जाएगा, हवा में रुक जाएगा, फाइनली ही विल रीच ऑन द ग्राउंड ऑन द अर्थ, जंप इनटू द रिवर,
है ना, बेसिकली मैम जब मूवमेंट होता है बाहर से, जब कोई चीज अंदर जाती है तो हम उसको इनटू में इनटू का यूज किया जाता है, तो इन का यूज करेंगे या इनसाइड ऑलरेडी है तो इनसाइड। इनटू में क्या है, रुकती नहीं है कोई चीज, डायरेक्शन मैडम वाटर के अंदर में जैसे पानी है तो इसका सेंटेंस बनाना है तो क्या इस्तेमाल इन द वाटर, इन द वाटर, वाटर ऑलरेडी है, इन द वाटर, इन द वाटर, वाटर इज इन द वाटर। इन साइड बोला था पहले आपको मैडम का क्लेरिफिकेशन दीजिए, उनका कहना है कि यदि पानी बॉटल के अंदर पानी है तो इन साइड का बॉटल कह सकते हैं क्या, इन साइड ये इन द बॉटल, इसको तो इन बॉटल इन द बॉटल ही बोले, जब आप बुला रहे हैं किसी को व्हेन यू आर कॉलिंग समवन इन वी कैन कॉल इट कम इन साइड, ओके दिस विल बी वाटर इज इन द बॉटल थैंक यू वेरी मच सर, कितनी टांगे फ्रीज हो गई मैम सर, पकड़े गए था इन फ्रंट ऑफ, ओके हाँ ऑफ सर, ये जो बोले वो माइक लगा ले क्योंकि बात का उसका फोन हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिस्टर गोविंद इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आर्टिकल पढ़ाना शुरू किया तो दरबारी लाल सर यह एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, कुछ उनकी बातें जो मैंने भी की हैं आप भी उसमें शामिल होंगे, अपन बात करेंगे और दरबारी सर और कोई भी यहाँ पर जो बैठे इसे अन्य ठान नहीं देंगे कि हम यहाँ पर कोई कमी फैस कर रहे हैं, अच्छी बात है जो लगती है अगर लगता है तो उसको सुधार देंगे। आपका एक्सप्लेनेशन स्लो है, आप बहुत स्लो एक्सप्लेनेशन में चल रहे थे, है ना, कितना स्लो था कि लर्नर का जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, यस दे वर इंडल्ज इनटू द चैटिंग्स एंड वर्सेस और आप पढ़ाते जा रहे थे, ये एक मुझे लगा सम व्हाट कंफ्यूज, कुछ कुछ मुझे यहाँ लगा कि कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन दिया और नॉट बायलिंगुअल, आपने हिंदी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया, क्या है सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्लास में संभव होता है, हम प्रेजेंटेशन का मतलब क्या बना रहे हैं, ये अज्यूम द क्लासरूम द नाइन्थ स्टैंडर्ड एंड टेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी आर गिविंग अवर एक्सप्लेनेशन फॉर होम, नॉट फॉर द टीचर्स, नॉट फॉर द पेरेंट्स, क्लियर है, तो बाय लिंगुअल जरूर रही है क्लास में, लाख आपको इंग्लिश अच्छी आए और लाख आपकी क्लास में चार बच्चे बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए नहीं बोल रहे, एक बार बायलिंगुअल हो गए। केशव सर ने जेस्टर का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, इनकी डायलॉग डिलीवरी और डिक्शन बहुत अच्छा था, मैं चाहता हूँ कि जब हम बोलें तो लास्ट में जो साक्षी और सरिता मैडम बैठी है गुप्ता मैडम वहाँ तक आवाज़ जाए, लेकिन दरबारी सर की आवाज़ का पिच और टोन क्लास के लेवल का नहीं था बजाय केशव सर, केशव सर की आवाज पूरी कमरे तक मतलब वो लास्ट स्टूडेंट तक पहुंच गई। इसके बाद डिक्शन भी अच्छा था, यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, और जैसे ही आए उन्होंने रियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बताया अबाउट द
बोर्ड पेन अ पेन ऐसे करते हैं। तो सरल कर लीजिए कि जब आप क्लासरूम में हो तो यह ध्यान रखिए ये कमियाँ नहीं कि हम लोग शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों को और क्या करना है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को अपन नहीं जानते कभी प्रेजेंटेशन में मिल जाते उसको ये कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। ज्योति फाइन डायलॉग डिलीवरी आपकी डायलॉग डिलीवरी सही थी लेकिन इतनी फास्ट एक्सप्लेनेशन क्लास में नहीं चलता ज्योति तुम किसी की सुनी नहीं रही हो वन वे एक्सप्लेनेशन उन्होंने कहा मैंने बताओ क्या है पर पढ़ाया है नहीं साइलेंट लेटर्स बताए नहीं है और डायरेक्ट लर्नर से क्या मांगना है क्या बात तो इतना प्रॉन और इतना वन वे टीचिंग नहीं करना है। वन वे टीचिंग में क्या होता है क्लास इंटरेस्टेड नहीं होती है और लर्नर का लर्निंग ग्राफ जो है वो जीरो चला जाता है वो